किया जब से मैंने ये नाम मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। अपने रूम में आप सबको खुश आमदीद। कल हम यहाँ पे रुक गए थे, ये तकरीबन कोई ज़ोब से 55-50 किलोमीटर के करीब ये इलाका है। तो यहाँ पे हम रुके थे रात, असल में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वहाँ पे जो है ना लास्ट मैंने खाना खाया था, मछली खाई थी, शायद उसी की वजह से जो है ना वो पेट में दर्द और वोमिट हो गई थी शुरू, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि यहीं रुका, हाशमी साहब रिक्वेस्ट की, फिर हम यहीं पर रुके थे और यहाँ पर हमने फिर रात गुजारी। वो हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कैंप लगा हुआ, हमने अब कैंपिंग की रात को। मेन रोड के ऊपर ही होटल बना हुआ है, तो बड़ी अच्छी जगह पे है। तो रात को तो एक बार मैंने कहा यार काम ख़राब हो गया, बड़ी तबीयत ख़राब, बड़े ही मुश्किल से जो था ना वो, फिर मैंने मेडिसिन खाई और मेडिसिन खा के फिर मैं सो गया बगैर कुछ खाए पिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तबीयत काफ़ी बेहतर है। अब जो है हम यहाँ से अब निकलेंगे कोयटा के लिए। कोयटा यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर के करीब रह गए, तो कोयटा रेस्ट करेंगे आज। और कल जो हमने किया था तकरीबन 600 के करीब सफ़र, 600 किलोमीटर के करीब सफ़र किया था लाहौर से लेके यहाँ तक, और वहाँ से फिर हमने जो है अब यहाँ से आगे जो है सफ़र है, कल का सफ़र भी अच्छा था सफ़र, एंड पे जो है वो तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी, पर यह कि अब फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं अपना दिखाता हूँ कैंपिंग का सारा सेटअप। हमने यहाँ पे रात को कैंपिंग की थी, रात को पहले तो शुरू में तो मुझे बड़ी ठंड लग रही थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो मैंने दो दो जो मेरा स्लीपिंग बैग है दोनों मैंने चढ़ा लिए, उसके बाद चादर ले ली ऊपर, और बड़ा ही बुरी हालत थी मेरी। बड़ा उसके बाद ये कि 12-1 बजे 2 बजे के करीब जो है फिर तबीयत सेट हुई, तो फिर गर्मी लगनी शुरू हो गई क्योंकि कैंप काफ़ी गर्म था ये। तो अब जो है ये अंदर से आपको कैंप का हालात दिखाते हैं। कैंप नाश्ता हम कर रहे हैं, सुबह के 7 बज चुके हैं और नाश्ता का जो है ना इंतजाम चल रहा है, चाय और टिक्कियाँ घर से बनी हुई, और ये हमारा कैंप है स्टोन टिक्कियाँ। और ये मेरा स्लीपिंग बैग है, तो ये स्लीपिंग बैग एक और इसके अंदर ही दूसरा ये रहा, ये दूसरा स्लीपिंग बैग है। और ये नीचे जो है हमारा मैट्रेस है, मैट्रेस भी आपको तो दिखाता हूँ, ये बड़ा बेहतरीन सा मैट्रेस है, मैं बाहर खींच के ले आता हूँ इसको। ये जनाब हमारा मैट्रेस था, इसके अंदर हवा ये बड़े आराम से भरी जाती है और ये बिल्कुल फोल्ड शोल्ड हो जाता है। ये इसकी हवा भरने की जगह, यहाँ पर इसको पंप करने की हवा भरता है, नहीं हवा भरी जा रही है इसके अंदर। अब ये इतना सा फुल होके आ गया, अब बड़ा कम्पैक्ट है, खूबसूरत मंजर है, बड़ा ही पुरसकून। और टम्परेचर सुबह काफ़ी कम था लेकिन अब टम्परेचर जो है वो तकरीबन को 14-15 के रेंज में, तो ठंड नहीं लग रही। और ये हमारा सामान अभी फ़िलहाल बिखरा पड़ा, सामान हम बांधते हैं मोटरसाइकिल पर और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। जब से मैंने ये नाम मुहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। सुभान अल्लज़ी सख़्ख़रा लना वा मा कुन्ना लहू मुक़र्रिनीन وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْتُ إِلَى اللَّهِ। दीना, दीना है जी जगह, दीना है जगह का नाम है। और ये बड़ी कोयटा यहाँ से 382 किलोमीटर है, ज़ोब जो 47 किलोमीटर है। तो रात काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हमें रुकना पड़ा था, और अब जो है हम अपना सफ़र स्टार्ट किए हैं। टाइम मैंने नहीं देखा, मेरा ख्याल 8 बज गए होंगे, 8 में हमने अपना सफ़र शुरू किया। ठंड यहाँ पे काफ़ी है, धूप निकल आई है और मेरा ख्याल है अभी और 2 घंटे तक मौसम काफ़ी ठीक हो जाएगा। अभी तो काफ़ी ठंड है, मोटरसाइकिल पे जैकेट वगैरह पहनी हुई है तो फील नहीं हो रहा।
ये जनाब सामने, हम यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं थोड़ा, और फिर सजदों पे सजदे किए जा। सनी डे है, अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया, तकरीबन 9 बज गए। 376 किलोमीटर यहाँ से क्वेटा, 376 किलोमीटर मीन्स के 4 आवर्स, 4 एंड 3, यानी कि 1 बजे तक हम इंशाल्लाह क्वेटा पहुँच जाएंगे। आज स्टे क्वेटा ही करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर कल सुबह का प्लान है कि फजर के टाइम निकलें 4:30 बजे, और 4-5 मगरिब से पहले पहले जो है ना वो ताफ्तान के करीब करीब पहुँच जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत पाकिस्तान को बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम है, कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक अदा फरमाई है मुझे कि उमरा जो है वो बाइक पे कर रहा हूँ मैं, यानी कि अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने सेहत सलामती टाइम पैसा दिया है जो कि उसकी खुशनुदी और उसकी रजा के लिए खर्च करने की तौफीक अदा फरमाई है मैं। अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को, हमारे इस तमाम इबादत को, और आप सब देखने वालों की तमाम इबादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और हमें नेक और साले और मुत्तकी और परहेज़गार बनने की तौफीक अता फरमाए। ये जो प्लान है, ये प्लान तकरीबन 2019 में हमने जेन में तो मेरा था, ये 2017-18 थी कि उमरा करूँ, उमरा और ईरान इराक की ज़ियारत जो है ना वो बाइक पे की जाएँ, लेकिन 2019 में मैंने और फिर मुझे मेरे साथ आशमी साहब मिले, फिर उनके उन्होंने कुछ 3-4 बंदे और थे, 5 बंदों का हमारा ग्रुप था, तो हमने जो है फिर वर्किंग स्टार्ट की इसके ऊपर, और फिर हमने वर्किंग स्टार्ट की और वीज़े लगवाने शुरू कर दिए हमने। तो अभी ये हमारा जस्ट जो है वो सिर्फ सऊदीया का वीज़ा ही लगा था, 2020 के फरवरी था, तो उसके बाद जो है वो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कोरोना आया कि उसने जो था हमारी सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। पर हर काम में अल्लाह ताला की मसलियत होती है, और हर काम अच्छे के लिए होता है, तो वो 2020 में हम जा नहीं सके, तो फिर वो पेंडिंग होता रहा, और फिर हमारा ये ख्याल था चलो 2020 फरवरी में तो मार्च अप्रैल तक कोरोना के जो मसले मसाइल वो ख़त्म हो जाएंगे महीने डेढ़ महीने में, लेकिन वो चलते चलते इतना सवेर हुआ गया, वो तो अगस्त सितंबर यानी कि 6-7 महीने तो बड़ा ही लॉकडाउन टाइप रहा, तो बॉर्डर सारे बंद हो गए, फिर हम भी ठंडे हो गए, हमने कहा यार ये तो अब मुश्किल है। फिर 2021 के नवंबर दिसंबर में जो है हाशमी साहब गए ईरान ज़ियारत के लिए, और जो उनका सीआरसी के साथ क्रॉस रूट क्लब जो है मुकर्रम तरीन साहब का जो है उनके साथ गए, तो फिर हमने कहा यार ये तो अब खुल गया रस्ते, तो प्लान बनाते हैं। फिर मैंने और हाशमी साहब ने फिर मिल के दोबारा ये प्लान को किया। पहले मेरा ख्याल था कि चलो बच्चों के साथ जाते हैं और गाड़ी ले चलता हूँ, गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन वो फिर बच्चों के बड़े बच्चे हैं, पेपर और एग्ज़ाम, किसी का कोई एग्ज़ाम चल रहा है, कोई किसी का एग्ज़ाम, बड़ा बेटा सेकंड ईयर में है, तो फिर मुश्किल हो गया, फैमिली के साथ निकल नहीं सकते थे। फिर मैंने आशमी साहब को कहा, मैं आशमी साहब आप और मैं दोनों बंदे निकलते हैं चलते हैं, बाकी किसी को हमने जो है वो नहीं लेके जाना, फिर हम दो लोग होंगे, जितने कम लोग होंगे, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप में तो उतना ही जो है वो बेहतर होता है। तो फिर हमने ये प्लान किया, और हमने प्लान किया था कि 21 अक्टूबर को हम निकल जाएंगे, लेकिन करते करते वो जो है अक्टूबर भी गुजर गया, और हमारा सबसे पहले हमने जो है ना सऊदीया का वीज़ा लगवा लिया, वो सऊदीया का वीज़ा तो मेरा हमारे पास 3-4 दिनों में ही आ गया था, सितंबर के एंड में 26-27 सितंबर को हमारे हमने स्टार्ट की थी वर्किंग,
वीज़ा आ गया जैसे ही फिर हमने 1 या 2 अक्टूबर को हमने ईरान के लिए अप्लाई किया तो ईरान वो हालात जो ख़राब हुए थे महिसा अमीनी का जो इंसिडेंट हुआ था और उसको अमेरिकन मीडिया जो मीडिया BBC और CNN उसने काफ़ी ज़्यादा उसको हाइप क्रिएट किया और बड़ा वहाँ पर बदमनी फैलाई मुजाहरे हो गए फिर उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिए वीज़े बंद कर दिए तो वो करते कराते फिर वीज़े जो हैं वो खुले जाके 18 अक्टूबर को फिर 18 अक्टूबर को वीज़ा खुला हमने अप्लाई किया मैंने हर आशीष साहब ने तो अर्जेंट अप्लाई कर दिया था मैंने किया नॉर्मल मैं क्या 2-3 दिनों में मिल जाएगा तो वो करते कराते उन्होंने 12 दिन लगा दिए वो मुझे 28 को जो है फिर मेरा वीज़ा मिला फिर उसके बाद अगला प्रॉब्लम जो बना हमारे साथ वो ये कि इराक का वीज़ा इशू बन गया कि इराक जो है वो 5 लोगों से कम को वीज़ा नहीं देता ग्रुप वीज़ा इशू करता है बेसिकली तो हमने कहा ग्रुप तो था नहीं फिर आशमी साहब के कोई लिंक्स थे कोई मिनिस्ट्री वगैरह में मिनिस्टर वगैरह कोई लिंक्स थे वो बड़ी जो उनसे तरले में थे एक तरह से करके और फिर वो वीज़े लगवाए और उन्होंने बड़ा ही जो था नाक से जो कहते हैं ना लकीरें निकलवाई वो वाला काम किया उन्होंने तो स्टिकर वीज़ा फिर हम दोनों को इशू किया और करते कराते इसी सना में जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर गया हुआ था और हमारा जो प्रोग्राम 21 अक्टूबर का था वो 26 नवंबर को हमने इसको एग्जीक्यूट किया है अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जो डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेशनल ट्रैवलर जो है ना बहुत मुश्किल है ख़ासतौर पर पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट के लिए तो समझे कि ख्वाब ही है वो इब्रार भाई जो हैं वो तो माशाल्लाह उनके पास जो जर्मन पासपोर्ट है तो वो तो जिधर जाते हैं बॉर्डर के ऊपर खड़े खड़े उनको 2-3-4 घंटों में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है लेकिन हमें जो है ना वो तो भाई ये पापड़ बेलने पड़ते हैं पूरे और पहले तो वो लाखों की लकीरें लगवाते हैं फिर उसके बाद कोई आपके मिनिस्ट्री के अंदर कोई वाकफियत हो कोई हाई लेवल पे वाकफियत हो तो फिर आपको जाने देते हैं वरना कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा अभी तो हम ये मिडल ईस्ट में जा रहे हैं यूरोप का होगा तो पता नहीं क्या बनाते हैं हमारे साथ पर ये अब इराक और जो ज़ियारात का वीज़ा है अल्लाह ताला ने हमारी ज़ियारात को कबूल फरमाना था करते करते ठंड होगी काफ़ी वरना हमारा प्लान जो 21 अक्टूबर वाला था वो बड़ा फिट था तो हमने इस टाइम वापसी कर रहे हैं उनका पर हर काम में अल्लाह की मसले तो थी ये सारी स्टोरी अभी तक की वो लैंड ऑफ ब्यूटी है ये ब्यूटी जो है ना बलूचिस्तान के साथ ही मखसूस है गिलगित बल्तिस्तान और वो KPK की अपनी खूबसूरती है बलूचिस्तान की अपनी खूबसूरती है आशिक कशम मैं जो है ना दीवाना हो गया हूँ दूसरी बार है मेरी ये मैं बलूचिस्तान आ रहा हूँ लोग जो है बहुत हॉस्पिटलिटी बहुत ज़बरदस्त है वो जो हम जो होटल में ठहरे थे वो लोग भी बड़े अच्छे हॉस्पिटलिटी थी उनकी कमाल ऐसे नहीं ले रहे थे जी ये रहने थे आप हमारे मेहमान हैं लेकिन और क्या बात है बड़ा उन्होंने रात को हमें प्रोटोकॉल दिया और अभी भी जहाँ कहीं भी रुकते हैं थोड़ा सा तो साथ ही बंदे मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर होते हैं कहते मसलम सहल कोई तो नहीं है तो अगर कोई मसला मसाला तो हमें बताएं हम कोई परेशानी या कोई मसला मसाला तो हमें बताएं तो ये हॉस्पिटलिटी है पता नहीं लोगों ने नेगेटिव जो है ना वो ज़्यादा खबरें फैलाई हुई हैं बलूचिस्तान के मुतालिक होंगे चंद एक लोग जो गलत हैं लेकिन अक्सरियत जो है वो शरीफ लोगों की है और मेहमान नवाज लोगों की है यहाँ की आबो हवा यहाँ का लैंडस्केप आउट क्लास ज़बरदस्त मेरे पास अल्फाज नहीं मैं क्या बताऊँ सुभान अल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हुसन से माला माल किया देखने वाली आँख होनी चाहिए और बंदे के पास टाइम होना चाहिए ना पेट्रोल डलवा लिया 1600 रुपये का फुल हुआ है पीछे से डलवाया था तो अब निकलते हैं यहाँ से आस्ता जो हल्का फुल्का किया अब जाके कोयटा ही कुछ हिसाब किताब लगाएँगे ज़बरदस्त सनी डे है क्या बात है वो सामने जो नज़र आ रहा है वो ज़ोब है ज़ोब शहर है ये बेसिकली अब इसके बाद जो है बड़ा शहर वो आएगा कोयटा ही तो ये मेन है यहाँ से काफ़ी ऊपर से नज़र आ रहा है ज़बरदस्त जो है पहाड़ों के कट्स हैं लास्ट टाइम आया था तो किला सैफुल्ला वाली साइड से आया था और इस टाइम जो है ये वो डीजी खान से होके तो स्टील ब्रिजेज जो है फोर्ट मंडरू और फोर्ट मंडरू से किला सैफुल्ला
और अब इस बार जो है वो डी एच खान आए हूँ डरसमे खान, और वहाँ से होके और जोब, और जोब से अब हम कोटा जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बाजार है सारा जोब सिटी का, जोब भी कहते हैं, योब भी कहते हैं, बदन जो भी बरल जो आपको समझ में आ रही है। तो ये सिटी है जी, मतलब ये अगर आप डेरा इस्माइल खान से तो यहाँ तक 180 किलोमीटर था, तो 180 किलोमीटर में हिसाब लगा लेंगे ये पहली जो है वो यहाँ पे रुक गए चाहिए, मतलब रिचार्ज करवा रहे हैं। 180 किलोमीटर के अंदर ये पहला शहर है बड़ा, बाकी तो कोई दरमियान में आबादियाँ छोटी छोटी हैं, बिल्कुल ही ऐसी कोई 150 करूँगी। ईरान जा रहे हैं मक्का, ईरान से इराक, इराक से सऊदीया, खाना काबा, मक्का, हम उमरा करने। हाँ दो हैं बस, हाँ सारा सामान है, वो अंदर बैठा हुआ वो रहा। तो उसको भी बुला दे, जल्दी नाश्ता कर दे अगर साहब। नहीं बस हमने कोटा जाना है, अब देर हो जाएगी। नहीं जल्दी कराएंगे। जज़ाकअल्लाह। स्पीड क्या है लोगों की, 100 किलोमीटर की? 100 एक घंटे में 100, 70 80 90 100, बस इस तरह। कैसा रोड हो? रोड सीधा है तो 100, और रोड टेढ़ा मेरा तो 40 50। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, लास्ट टाइम भी आया था बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और अभी भी हम खड़े हुए थे तो लोग लड़के कहते जाओ नाश्ता वाश्ता करो हमारे साथ, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कि बड़ी बात है कि आप अजनबियों को आप वेलकम कर रहे हैं, बहरहाल पाकिस्तान की सकाफत है ये, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। ये सामने गाड़ी के अंदर पत्थर जा रहे हैं जी, बड़े इक्वल साइज में कटे हुए पत्थर हैं, काफ़ी बड़ा ये जोब सिटी है, मतलब ये होटल शोटल भी हैं इधर, सुपर स्टोर है, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्योंकि इधर ये 200 किलोमीटर के बाद बड़ा शहर है, अगर डी आई खान से आए तो अभी यहाँ से आगे फिर 200-300 किलोमीटर है कोटा, दरमियान में छोटे छोटे जो है वो इलाके आते हैं, बड़ा जो है यही है। बाजार दिखा है आपको, अब ये जो है जोब सिटी के यानी कि रेजिडेंशियल एरिया, ये कोई चर्च है, ये मस्जिद है, मस्जिद वस्जिद लग रही है ये, और ये सिटी के अंदर जो है काफ़ी बड़ी सिटी है, रिहायशी इमारतें भी हैं, और फिर आगे बाजार शुरू हो गया। पेट्रोल पंप भी काफ़ी हैं यहाँ पे, नज़र आ रहा होगा वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, और साथ जो है वो बोर हुआ हुआ है, और इरिगेशन के लिए ये यूज़ हो रहे हैं। बड़ा अच्छा आइडिया है, सोलर ने बड़ी आसान कर दी ज़िंदगी, और जैसे कितना तेज़ धूप है तो 8-10 घंटे भी अगर पानी निकालते हैं तो बड़ा बचत है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि पोल्यूशन फ्री एनर्जी, ज़ीरो कार्बन इमिशन, क्या बात है। ये भी लगा हुआ सामने, वो भी लगा हुआ है सोलर, काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ, वो आगे महीने उन पर भी लगा हुआ सोलर पैनल, वो सामने नज़र आ रहा होगा, वो भी सोलर पैनल लगा हुआ चल रहा है, वो पानी निकाल रहे होंगे ज़मीनों में, पानी छानी देने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ की भेड़ें आ गई, भेड़ क्रॉसिंग उसी की, अजाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अजाने उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है।
खुदाया दिखा जल्दी जल्दी मदीने के जलवे मदीने की रातें हमें ऐ खुदाया दिखा जल्दी जल्दी तड़पते हैं दिन रात जो हाजिरी को तड़पते हैं दिन रात जो हाजिरी को उन्हें भी खुदाया बुला जल्दी जल्दी ये जगह है जो कि बड़ी खुली सी हो जाती है और इस साइड से हवा का प्रेशर होता है। आप बाइक इधर को करते हैं और बाइक जो उनकी ना वो पर राइट साइड पर जो है मूव हो रही है, मैं लेफ्ट साइड पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साइड पर ना हवा, क्योंकि ये काफ़ी खुली वहाँ से कॉरिडोर सा बनता है और हवा जो है इधर से ऐसे क्रॉस करती है लेफ्ट से राइट की तरफ। बाइक जो है ना वो उसको खासतौर पर जब कोई बड़ा ट्रक जो उसको क्रॉस करना होता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अगर क्रॉस किया तो फिर वापस लेफ़्ट साइड पर लाने के लिए आपको बड़ी अच्छी खासी जान लगानी पड़ती है और सामने कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए जब आप इसको क्रॉस करें। ये वाला ख़ास तौर पर पोर्शन है, ये तकरीबन मुस्लिम पार्क से कुछ 10 किलोमीटर आगे हैं तो ये पोर्शन है। खुला कॉरिडोर रहता है, यहाँ पर पहाड़ दूर 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 हो जाते हैं और ये जगह जो है वो खुली खुली रहती है। खान रोड डी ए खान यानी कि किला सैफुल्ला वाली साइड से ये रोड आ रही है और वो जो रोड जो नज़र आ रही जाती हुई वो जा रही है ज्यारत कायद अजम रेजिडेंसी की तरफ, यानी कि ज्यारत की तरफ जा रही है और जो राइट पे जा रही है वो जा रही है कोटा। तो ये बेसिकली ज्यारत जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर के करीब रह जाता है कोटा। ये कुचलक आएगा, कुचलक से फौरन बाद जो है कोटा, ये आगे आ गया जंक्शन पॉइंट। इधर से लेफ़्ट हो तो आप चले जाते हैं, जैसे लेफ़्ट हो तो आप चले जाते हैं ज्यारत। कोटा पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से जो है प्रेस क्लब में जाना है, वहाँ पर छोटी सी उन्होंने वेलकम रखी है। उसके बाद फिर कोटा के बाइकर्स हैं और ये हमें वेलकम करने के लिए आए हैं। अब हम निकलते हैं आगे प्रेस क्लब की तरफ और वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे। जी व्यूअर्स, हम ये कोटा पहुंच चुके हैं और वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे ये प्रेस क्लब वाले हैं और यहाँ पे हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए हैं ये। और हम जो यहाँ से अब जाएंगे आगे फर्दर, शाम का टाइम हो गया है मगरिब का और ठंड भी बढ़ती जा रही है। सामने जो है खूबसूरत मंदिर है, इस साइड पे सनसेट का खूबसूरत मंदिर है, सामने जो है वो पहाड़ है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं आगे। कोटा में गो के जितनी ठंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं है अभी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है हमारे लिए तो ख़ास तौर पर, क्योंकि ज़्यादा ठंड होगी तो फिर मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। अभी टम्परेचर तो अराउंड 17-18 होगा, रात में मेरा ख्याल है कुछ 7-8 पे आ जाता होगा, लेकिन अभी जैकेट पहनी हुई है तो बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है और बाइक पे ठंड नहीं लग रही। अभी ये लोकल जो हैं वो बाइकर हैं क्लब के, मैं सियासी क्रॉस रूट क्लब का जो कोटा के लोग हैं वो उन्होंने जो है हमें लेके जा रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए। यहाँ से चाय वगैरह पियेंगे फिर होटल में जाएंगे और वहाँ जाकर रेस्ट करेंगे और आज के दिन को काम करेंगे। जी क्लॉक टावर या क्लॉक स्क्वायर और या घड़ी चौक जिसको कहते हैं कोटा का, वो आ गया
लेफ्ट साइड पे कोई माल है, सीएनएसी होल्ड ऑन लेफ्ट लेन, गैरिजन आ गया, कोयटा गैरिजन लेफ्ट साइड पे ही आपको नज़र आ रहा हो, गाड़ियाँ जा रही हैं, कोयटा गैरिजन है ये, और आप इधर को जा रहे हैं, ये सारा जो है कोयटा गैरिजन है। लेफ्ट साइड पे बाढ़ नज़र आ रही होगी आपको। चलें आपको कोयटा की सैर भी करवा देते हैं, कोयटा की शाम। जो सामने पहाड़ों के पीछे जो है गुरूम हो रहा है, मगरिब का टाइम करीब है, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है आज। हालांकि किलोमीटर तो हमने तकरीबन कोई 370 किलोमीटर किए होंगे, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रात भी प्रॉपर मैं सो नहीं सका था क्योंकि नींद, वो तबीयत ख़राब थी, पहले ठंड लगती रही, बाद में फिर गर्मी लगती रही। तो सामने जो आबादी है कुछ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे सितारे हैं आसमान पर, नहीं होते ऐसे लाइटें जल रही हैं कोयटा की आबादी पहाड़ों के ऊपर।